आगे आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं स्नो व्यू, और अगर पॉसिबल हुआ तो हिमालय दर्शन दोबारा जाएंगे। उसी रास्ते में पड़ता है, हमें लास्ट टाइम प्रॉपर नहीं दिख पाए थे। हमारी वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी चैनल पे, तो आप उससे देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं स्नो व्यू, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कैसा दिखता है वहाँ से, तो हम वो आपको दिखाएंगे वहाँ से। चलिए चलते हैं। सो गाइस, आज आए फिर भी हिमालय नहीं देख रहे हैं दोबारा। आप देख सकते हैं हमारी मेहनत हमारी बेकार हो गई। वो पूरा सर्कल दिखता है वो, पर अभी नहीं दिख रहा। वो थोड़ा थोड़ा धुंधला सा त्रिशूल वाला से नहीं दिख रहा है, अदरवाइज है धुंध की वजह से नहीं दिख रहा। सो गाइस, ये मोड़ है, ये नीचे नैनीताल से आ रहा है ये मोड़, हमको ये जो दिख रहा है ये मोड़, और ये सीधा ऊपर जा रहा है हिमालय दर्शन और पंकोट को जा रहा है रास्ता ये वाला सीधा। तो गाइस, ये रोड आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से दो रास्ते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो हमें ऊपर वाले रास्ते पे जाना है, और नीचे जो है घरों को जा रहा है ये वाला रास्ता ना, घरों को जा रहा है, तो हमें ऊपर रास्ते को जाना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस पर स्नो व्यू तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट ये रास्ता एक स्नो व्यू को भी जाता है। समरीन वहाँ खड़ी हुई है, जबकि इस पे लिखा हुआ है गाड़ी बैन है। उसके बाद भी ये भाई साहब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जाए, कुछ ऐसा दिखता है नीचे से। यहाँ वो रास्ता जो है मैं आपको बताया था ना, वो रास्ता आ रहा है, वो नीचे घर है, घर को जा रहा है सारा रास्ता। समरीन नैनीताल में ही रहती थी, ये यहाँ पे रहती थी, और ये यहीं पे इसने स्कूलिंग करी है नैनीताल से। टीचर और स्टूडेंट आते थे इस रास्ते से, स्नो से, स्नो व्यू से। ये थोड़ी खड़ी सी चढ़ाई है, ये क्या है, ये स्कूल है, ये भी अभी छुट्टियाँ पड़ेंगी ना यहाँ पे तो बंद है ये। हाँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम कैरियर, बेबी कैरियर जो होता है जिसमें बच्चे को बांधते हैं आगे, वो हम भूल गए घर पे ही। हमें याद आया गाड़ी में आके, अब ऐसे पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद मैं लूँगा समरीन से, अभी वो लेके चढ़ रही है ऊपर, फिर मैं चढ़ूँगा लेके। रास्ता पूरा सीधा है। अच्छा, ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है इधर तक, और फिर इसके बाद सीधा सीधा रास्ता है, फिर कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सो स्नो व्यू आने के दो रास्ते हैं, बल्कि तीन रास्ते हैं मैं कहूँगा। एक ये है पैदल वाला, एक और है, और एक ट्रॉली से है। तीन रास्ते हैं यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 से 15 मिनट का आई बिलीव, वो मैं आपको बता दूँगा कितना मिनट लगा। 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, हम पहुँच जाएंगे। और जो दूसरा पैदल वाला रास्ता है उसमें चढ़ाई ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, उधर से कारें भी जाती हैं ऊपर, और एक ट्रॉली वाला रास्ता है। तीन रास्ते हैं, चलिए इसमें जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताता हूँ। हिमालय दिख रहे हैं, बट बहुत ही धुंध हो रही है, तो इससे ज़्यादा पता नहीं चल रहे हैं, वीडियो में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेंगे, पता चल रहे हो तो हल्के फुल्के बादल बादल से जो हो रहे हैं ना, वो है हिमालय। ये भी चढ़ाई है, चढ़ रहा हूँ मैं इस पर। ये चढ़ाई है भाई, ये चढ़ाई है जिस पर हमने चढ़ाया है, वो चढ़ाई है।
ये वीडियो से कट हो जाएगा। क्यों कट होगा? डॉगी, हेलो डॉगी। थोड़ी बहुत चढ़ाई और है। दो मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे। पहुंच गए हैं हम। यहाँ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, वो जो आपको दिख रही है बिल्डिंग, वहाँ पे हमें चढ़ना है। सो आप देख सकते हैं अभी हो रहे हैं 9:35 और हम चले हैं 1964 स्टेप, तो आप समझ सकते हैं कितना दूर है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। सो इस जगह से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, और ये जो रेंज दिख रही है ना आपको पूरी, ये हिमालय रेंज दिखती है, हिमालय व्यू दिखता है यहाँ से पूरा, जो अभी बादलों से ढक चुका है। यहाँ पे एक गाँव है जो मैंने आपको हिमालय दर्शन से भी जूम करके दिखाया था। एक गाँव इस चोटी पर है जो मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी लोग रहते हैं। यह है हिमालय दर्शन और इसके सामने जस्ट नैनीताल के पहाड़, नैनीताल जिसमें लोग रहते हैं, ये नैनीताल है यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा रास्ता है गाड़ी से आने वाला, यहाँ से गाड़ी से आते हैं, टैक्सी से, और इस रोपवे को भी यही रास्ता जा रहा है। हम अभी जाएंगे, आपको दिखाएंगे आगे जाके। सो आप ये जो देख रहे हैं ये आपको नैनीताल के हर व्यू पॉइंट पे दिख जाएगा गन से निशाने लगाने का, और इनका चार्जेस तकरीबन 50 रुपये का 8 या 10 निशाने लगाने का होता है। आपको 50 रुपये का 8 या 10 शॉट मिल जाए। गाइस आप जो वो देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेटरी है, एरिस आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। इसमें एशिया की लार्जेस्ट टेलीस्कोप लगी हुई है जो 30 मार्च 2016 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये ऑब्जर्वेटरी नैनीताल से 60 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद जा रहे हैं हम दूसरे पार्ट में जहां झूले लगे हुए हैं। ये गाड़ी वाला रास्ता है, वहां से गाड़ी भी आती है। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना ग्रीन कलर की छत, ग्रीन ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, इसमें कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। हम उधर इधर से आ रहे हैं, अब ये रास्ता है ऊपर जाने का, और ये एडवेंचर पार्क बना हुआ है, यहाँ पे एडवेंचर होते हैं। अच्छा ये फील्ड है, ग्राउंड है, जो भी कह लें आप, इसमें यहाँ पे टायर रखे हुए हैं, गाड़ी वहाँ से ऐसे गोल 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 हम घुमाते हैं। और ये है इनकी गाड़ी का पुराना मॉडल जो एक्सपायर हो चुका है, डेड है, ये आप देख सकते हैं। नए मॉडल आपको आगे दिखेंगे वीडियो में। ये अभी खुला हुआ है पीछे से, इसमें एक्सीडेंट भी हो चुका है, एक लेडीज़ के बाल इसमें फंस गए थे अंदर। ये रास्ता है एक ऊपर, और उधर से भी एक रास्ता है दूसरी तरफ से, हम इधर से जा रहे हैं। अच्छा आप इन गाड़ियों के पीछे आप देख सकते हैं सारा कवर कर रखा है। मैंने आपको पिछली गाड़ी दिखाई थी तो उसमें कवर नहीं था, बट इसमें कवर कर रखा है जो एक्सीडेंट हो चुके हैं उसको देखते हुए। और यहाँ पे ये हेलमेट रखे हुए हैं जो आपको पहनाए जाते हैं ड्राइविंग करने से पहले। गोलू मोलू कैसे मुंह बनाया हुआ है? आगे आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आगे ये है, यहाँ से अंदर जाते हैं। मैंने कहा था ना थोड़े थोड़े एडवेंचर्स हैं बने हुए। हाँ अभी कोई है नहीं, हम जल्दी आए। टाइम कितना हो? 10:03 हो रहे हैं। अच्छा ये जो है बिल्डिंग, ये रोप वाली है, इसमें रोप का सिस्टम है। ये जो आपको दिख रहे होंगे ये वाले रोप वे है, ये इस पर ट्रॉली आती है, ये रोप वे है, ये ट्रॉली आती है, ट्रॉली है खड़ी हुई है, एक नंबर और दो नंबर, दो ट्रॉलियाँ चलती हैं यहाँ पे।
ज़्यादा नहीं, दो तीन मिनट की है नीचे से, ज़्यादा से ज़्यादा चार मिनट हम आ चुके हैं इससे से भी ऊपर एक बार। इसकी ट्रॉली की टाइमिंग जो आप अगर टिकट लेंगे तो आई थिंक 300 का लिया था हमने, 300 का इसका टिकट है, इसका 300 का टिकट है। और एक घंटे की टाइमिंग होती है आपको ऑन सीज़न ऑफ सीज़न, ऑफ सीज़न में थोड़ी लिनेंसी मिल जाती है आपको पर, लेकिन ऑन सीज़न में नहीं मिलती है आपको, तो ऑन सीज़न में ऑन टाइम आपको वापस आना पड़ता है। ये यहीं पे ही है के सामने, ये है होटल स्नो व्यू हेरिटेज, द ओल्ड ब्रिटिश गवर्नर हाउस, पुराना है। इस पे डेट सन नहीं लिखा हुआ, वरना मैं वो भी दिखाता आपको। एक रास्ता ये जा रहा है और हम आपको इधर से लेके जाएंगे इस गेट से। यहाँ शॉप्स हैं, यहाँ देखिए यहाँ गाड़ियाँ प्ले होती हैं, यहाँ पे लोग आएंगे 12-1 बजे सो सा के उठ के, हम ज़्यादा ही हम तो यहीं रहते हैं तो जल्दी आ गए, हमें पता है फिर भीड़ हो जाएगी। देखिए ग्लव्स लेने लगती है बस ऐसे मौका मिला। डोंट डू दिस, व्हाट आई एम सेइंग डोंट डू दिस, ये इन्हें टीच करती रहती है। दिस इज बैड। वो जो बादल बादल से आपको लग रहे हैं ना, वो कैमरे में इतने अच्छे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बट हमें दिख रहे हैं बहुत ही हल्के, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हो गए हैं, धुंध हो गई है ना, फॉग फॉग सा हो गया है वहाँ पे, इस वजह से नहीं पता चल रहा है इतना। और वरीशा बैठी है, वो लटका पड़ा नीचे। अप्पा बेटी ग्लव्स पहनने में जद्दोजहद कर रहे हैं उसको ग्लव्स पहना रहे हैं। वरीशा धूप तो इतनी अच्छी निकल रही है कि बस पूछिए मत, बट हिमालय की तरह बिल्कुल धुंध हो रहा है, देख सकते हैं आप। परीक्षा को हिचकी आ रही है, मम्मी आई। निन्नू भी आ रही है अब, परीक्षा को निन्नू आ रही है ना जो हमने दिखाया था ना रास्ता, कि यहाँ से भी चढ़ने का रास्ता है, ये अब हम उतर धरी से रहे। इधर चलते हैं, मैं आपको इधर का व्यू और दिखाता हूँ। इधर भी एक पॉइंट है जहाँ से झील दिखती है, आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सारी, और ये ट्रॉली वाला रास्ता उतरने का।
ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका पालन करें सब। कूड़ा नीचे डालकर अपने संकुचित दिमाग का परिचय ना दें, धन्यवाद। ये देखिए हर जगह गन शूटिंग वाला हर जगह रहता है, यहाँ पे भी है, अभी ऊपर भी था। सो आपको इस पॉइंट से झील दिख सकती है और यहाँ नीचे घर दिख रहे हैं। कैमल हम्प, वो चोटी जो है वो कैमल हम्प है, जहाँ आज तक गए नहीं है हम भी। नीचे सारे घर, सामने स्कूल, नीचे झील। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं वापस घर पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।